हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे जून 2022 बीपीएससीटी 131 मैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर। तो वन का ए, फॉर एनी टू वेक्टर्स पी एंड क्यू सो दैट पी डॉट क्यू स्क्वायर प्लस पी क्रॉस क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर वन ए, सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स पी एंड क्यू इज थीटा, देन पी डॉट क्यू दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू सॉरी पी क्यू कॉस थीटा एंड पी क्रॉस क्यू दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। नाउ हमें क्या दिखाना है, पी डॉट क्यू स्क्वेर एंड प्लस पी क्रॉस क्यू स्क्वेर दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू साइन थीटा स्क्वायर। ये मॉड आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये भी फर्स्ट ब्रैकेट है। दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। दे आर फोर पी डॉट क्यू प्लस पी क्रॉस क्यू दिस इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, ठीक है ना। उसके बाद चाहते हैं क्वेश्चन नंबर वन बी, क्लासीफाई द फॉलोइंग ओ डी ई ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डिग्री लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी एंड होमोजीनिटी नॉन होमोजीनिटी। तो ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जो गिवन है उस इक्वेशन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बी, एल डी आई बाई डी आई डी टी एंड प्लस आर आई इक्वल्स टू ई, इसे हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्या आ जाएगा, डी आई डी टी प्लस आर बाई एल आई दिस इज इक्वल्स टू ई बाई एल। तो ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसका ऑर्डर भी वन है एंड डिग्री वन है, ठीक है ना, ऑफ डिग्री वन एंड ऑर्डर वन। इक्वेशन ऑफ डिग्री वन एंड ऑर्डर ऑर्डर वन, ऑर्डर पहले लिख लीजिए, ऑर्डर वन डिग्री वन, ठीक है ना। और ये देखिए होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ई बाई एल है एंड दिस इक्वेशन एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है ना, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो उसके बाद नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ डिग्री वन एंड ऑर्डर वन। क्वेश्चन नंबर वन सी, इन द फॉलोइंग केसेस आइडेंटिफाई द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स गिविंग रीजंस। नंबर वन, ए बॉल बीइंग स्वंग इन ए सर्कल, स्वंग इन ए सर्कल, ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर सी वन क्या है, ये जो आपका दिया गया है ये नॉन इनर्शियल है। सिंस द बॉल हैज फाइनाइट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन,
एंड नंबर टू ये जो है ये है इनर्शियल सिंस द कार मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्टिव स्टेट लाइन या फिर जो रोड दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1D, कैलकुलेट द इम्पल्स फॉर ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम व्हिच स्ट्राइक्स ए वॉल स्ट्रेट विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रीबाउंड एट द सेम स्पीड। उसका हमें इम्पल्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1D, पहले तो हम निकालेंगे लिनियर मोमेंटम द बॉल व्हेन हिट द वॉल, एंड उसके बाद उसका लिनियर मोमेंटम निकालेंगे जहां पर वो रीबाउंड होके आ रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो लेट अस एज्यूम दैट द बॉल मूव्स एलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द वॉल इज क्या आ जाएगा। P1 लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 20 × 10⁻³ kg kg × 10 m/s आई कैप, दिस इज इक्वल्स टू 0.2 kg m·1 m/s आई कैप। उसके बाद द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल व्हेन इट रीबाउंड तो इज क्या आ जाएगा P2 इक्वल्स टू −20 × 10⁻³ kg × 10 m/s आई कैप, दिस इज इक्वल्स टू −0.2 kg m/s आई कैप। उसके बाद जे निकालेंगे जो इम्पल्स है, जे जे इक्वल्स टू P2 − P1, दिस इज इक्वल्स टू −0.2 एंड केजी मीटर सेकेंड इनवर्स माइन आई कैप −0.2 kg/s आई कैप, दिस इज इक्वल्स टू −0.4 kg/s आई कैप, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1E, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए स्टोन लोज इन ए रोटेटिंग कार व्हील इज 100 rads/s, सॉरी सेकेंड पावर −2। व्हाट विल बी इट्स फाइनल एंगुलर स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से आ रहा है तो W0 इक्वल्स टू 0 या फिर ω0। द फाइनल एंगुलर स्पीड इज W इक्वल्स टू W0 + αt, एंड अल्फा यहाँ पर गिवन है 100 rads/s, एंड टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो W इक्वल्स टू आ जाएगा 0 + 100 × 3 rads/s, तो 3 × 10⁻² rads/s, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे 1D, सॉरी एफ, डिटरमाइंड द रिड्यूस्ड मास ऑफ
ए टू बॉडी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टार ऑफ मास एम एंड ए ब्लैक होल ऑफ मास 150। तो रेडियस मास इसका निकालेंगे, वन का एफ है, वन एफ क्वेश्चन। रेडियस मास इज म्यू इक्वल्स टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो हेयर एम वन इक्वल्स टू कैपिटल एम है एंड एम टू इक्वल्स टू 150 m है, ठीक है ना। यहाँ पर गिवन है, देखिए ब्लैक होल ऑफ मास 150 m, तो यहाँ पर रेडियस मास निकालेंगे, दे आर फोर म्यू इक्वल्स टू एम वन एम टू मतलब 150 m इंटू एम डिवाइडेड बाई 150 m प्लस एम, दिस इज इक्वल्स टू 150 m² डिवाइडेड बाई 151 m, दिस इज इक्वल्स टू 150 बाई 151 m, दिस इज इक्वल इक्विवेलेंस टू 0.967 m, विच इज इक्विवेलेंस टू क्या आ जाएगा, विच इज इक्विवेलेंस टू m, ठीक है ना। तो दे आर फोर ये क्या दिया हुआ है हमें, मास ऑफ ए स्टार, तो विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ द स्टार। तो रेडियस मास इक्वल्स टू हो गया मास ऑफ द स्टार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1G, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ ए वन डायमेंशनल स्प्रिंग मास सिस्टम। ये क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड द मास, ठीक है ना। स्प्रिंग एंड मास के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फॉर ऑसिलेशन, वो हमें निकालना है। तो पहले हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1G, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ वन डायमेंशनल स्प्रिंग मास सिस्टम इज d2x dt2 प्लस ओमेगा 0² x, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमें एफ इक्वल्स टू निकालना है। वी नो दैट ये जो है ये सेकंड पार्ट है, वी नो दैट एफ इक्वल्स टू ओमेगा 0 बाई 2 पाई एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इक्वल्स टू √k/m। देन फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई √k/m, ठीक है ना। उसके बाद 1H, 1H का आंसर देखेंगे। आर वाटर ऑफ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो वाटर ऑयल्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स बिकॉज इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन ए डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है ना, तो वाटर वेव है, ट्रांसवर्स वेव क्यों है ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या फिर लग रहा है कि ये रॉन्ग है, आप लोग खुलकर मुझे बता सकते हैं, पर आप लोग ये बताइए कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है। जो आप लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर कॉस 30 का मैंने हाफ लिख दिया, हाँ वो गलत हुआ है। तो उसके बाद बोल रहे थे कि जो तीनों क्वेश्चन गलत है, पर मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने किया वो मैं बुक से कर रही हूँ। आप लोगों का जो BPSCT 131 बुक है, इस बुक से मैं बुक पढ़ के या फिर बुक से जो क्वेश्चन लिया गया है बुक का, ऐसे कि उस एंड टर्मिनल क्वेश्चन से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तब वहाँ पर गलती की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो आप लोग एक बार बुक से भी चेक कर लीजिए कि मैं सही हूँ या नहीं, उसके बाद बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है या फिर गलती की है मैंने। गलती तो इंसान से ही होती है ना, ये मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होता है और बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सॉरी। पर मैं क्वेश्चंस अभी से मतलब एक बार मैं जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ। पर यहाँ पर मुझे काम करना है कि मैं जो भी बोलूँगी वो मुझे बहुत ही सोच समझ कर बोलना होगा, क्योंकि ये मैं जो कर रही हूँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक बार स्टूडेंट पढ़ लिया वो हो गया वो नहीं होता है। यहाँ पर बार बार स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और हर एक ईयर में नया स्टूडेंट आएगा, तो एक गलती वो रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ कि मैं सही ही बोलूँ। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने मिस्टेक किया है वो बताइए, और कहाँ पर मिस्टेक है वो भी बताइए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर मैंने जो पढ़ाया है वो सही है। कॉस 30 का तो वैल्यू सभी को ही पता है, तो वो वैल्यू जो है पुट करके आप लोग इसका वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने जो इसका सॉल्यूशन किया था तब भी मैंने √3/2 लिखा था, पर आई एम सॉरी फॉर दैट, 1/2 मैंने लिख दिया। देखिए कॉस 30 का तो वैल्यू सभी को पता है ना, कॉस 30 डिग्री का, वो बाय मिस्टेक हो गया, वो मैंने जानबूझकर मिस्टेक नहीं किया है, फिर मैं नहीं जानती हूँ वहाँ पर लिख दिया, ऐसा नहीं है, हो गया गलती बस। और उसको मैंने अभी प्राइवेट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो ही छोटा सा गलती की वजह से मैं तो एक पूरा वीडियो को प्राइवेट नहीं करूँगी ना। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।